नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान PTT रिजल्ट 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट राजस्थान PTT के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। पहले आपका 19 सितंबर को रिजल्ट जारी हो रहा था, लेकिन 19 सितंबर को रिजल्ट जारी नहीं होने से स्टूडेंट भी परेशान है, रिजल्ट की तारीख का वेट कर रहे हैं। डेली मेरे को कमेंट आते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। आपका दोस्तों रिजल्ट किस दिन आने वाला है, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में दोस्तों आप अपना रिजल्ट है वो कैसे और कहाँ से चेक कर पाओगे उसके बारे में भी बताऊंगा, और रिजल्ट की तारीख को लेकर दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो परिणामों में देरी को लेकर छात्रों ने सोशल मीडिया पर व्यक्त की नाराज़गी, पूछा क्यों हो रही है देरी, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा था कि 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट वो जारी कर देंगे। रिजल्ट संभवतः आपका जारी हो गया है, 20 तारीख को उनकी तरफ से बयान आया था, लेकिन दोस्तों आज आपकी 27 तारीख हो चुकी है, रिजल्ट जारी नहीं होने से स्टूडेंट परेशान हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज आपकी साइट है दोस्तों उसको अपडेट किया गया है, और आपकी जो रिजल्ट की डेट कही जा रही है दोस्तों 28 या फिर 29, इन दोनों डेट में दोस्तों आपका रिजल्ट है वो जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों डेट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आज दोस्तों आपका BSTC का रिजल्ट जारी हो रहा है, इस वजह से दोस्तों आपके जो रिजल्ट को डिले किया गया है। रिजल्ट तैयार हो चुका है, 4 वर्षीय और 2 वर्षीय दोनों कोर्सेज का रिजल्ट एक साथ जारी होगा। पिछली साल 2020 में दोस्तों अलग अलग समय पर रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन इस बार दोस्तों आपका रिजल्ट है वो एक साथ जारी होगा, और रिजल्ट दोस्तों आपको जो निम्न वेबसाइट आपको नीचे दे रखी है दोस्तों इन पर जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन वेबसाइट पर आपका रिजल्ट आएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज दोस्तों BSTC का रिजल्ट आएगा, लेकिन आपके जो रिजल्ट के नतीजे हैं दोस्तों वो अगले कल या फिर परसों तक दोस्तों आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर, वहाँ पर क्या अपडेट दे रखा है दोस्तों रिजल्ट को लेकर, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट उसी वेबसाइट पर दोस्तों जारी किया जाएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए दोस्तों आपको रोल नंबर और अपने नाम की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही आप ऑफिशियली वेबसाइट खोलोगे वहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली रोल नंबर और कैप्चा भर देना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और आपका रिजल्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको नाम से रिजल्ट चेक करना है तो नाम से रिजल्ट चेक करने के लिए दोस्तों आपको जो है अपना नाम डालना होगा, मदर नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और सबमिट कर देना है, रिजल्ट दोस्तों आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये रिजल्ट का प्रोसेस रहेगा। चलते हैं दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है ऑफिशियली वेबसाइट, इस पर दोस्तों आपको अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग रिजल्ट है, यहाँ पर अलग अलग लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। हालांकि रिजल्ट आपको एक साथ ही आएगा, लेकिन आपको अगर आप 4 ईयर का रिजल्ट चेक करना है तो 4 ईयर पर क्लिक करना होगा, 2 ईयर का रिजल्ट चेक करना है तो 2 ईयर पर जो है क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको रिजल्ट की लिंक मिल जाएगी, उसके बाद सिंपली इसमें रोल नंबर डाल देना है। तो रिजल्ट दोस्तों कल या फिर परसों, जी हाँ दोस्तों कल आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है, और आज शाम तक इसको लेकर दोस्तों पूर्ण अपडेट भी आ जाएगी, पूरी यहाँ पर अपडेट आ जाएगी कि कल आपका रिजल्ट कितने बजे जारी होगा। हालांकि रिजल्ट दोस्तों आपका जो है पहले आ रहा था 10 बजे 19 सितंबर को, लेकर रिजल्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों अब रिजल्ट आपका रीट की एग्जाम भी आयोजित हो चुकी है, तो जल्द ही रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपडेट पहुँचेगी, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।